60 रुपये हैं यार, बर्बाद हो गए यार, मैं जा रहा हूँ वापस कराने। भाई काफी फेम था बट मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों आज हम आ गए हैं दिल्ली के करोलबाग मार्केट में, जहाँ पर एक काफी ही फेमस फूड मिलता है, देसी आंटी का पास्ता। यार बहुत फेमस था इसलिए हमने आगे सोचा कि ट्राई करके आपको बताएं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नेटो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों ये रहा करोलबाग का मेट्रो का स्टेशन गेट नंबर 1, और इसके जस्ट अपोजिट में देसी आंटी पास्ता का भाई स्टॉल है। और यार देखो कितनी ज्यादा ही भीड़ है भाई, मतलब हद ही ज्यादा भीड़ है। अब हमारी मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। भैया ने सबसे पहले इसमें ऑयल डाल दिया, उसके बाद अब बहुत सारा है पास्ता डालने वाले हैं भाई, भर देंगे। और देखो बीच में धागा भी आ गया है भाई, थोड़ा अनहाइजीनिक, मतलब ध्यान नहीं रखते ज्यादा, आई गेस धागा भी आ गया है। और अब देखो काफी भरने वाले हैं, पूरा भाई कढ़ाई भर गई है, ऊपर तक आ गया है। अब इसमें डाल रहे हैं भैया अजीनोमोटो। तो दोस्तों ये आ गया हमारा नमक, बहुत सारा नमक डाल रहे हैं भाई, पास्ता भी क्योंकि बहुत सारा है। और उसके बाद ये डाल दिया भैया ने ऑरिगेनो, काफी सारा ऑरिगेनो डल रहा है भाई। उसके बाद भाई अब तुम देख सकते हो ये बोर्ड, अगर गेट के सामने ही इनकी शॉप पर बोर्ड लगा हुआ है। अब रेड चिली सॉस डाल दी भैया ने बहुत सारी, और उसके ऊपर कैप्सिकम डाल दिया। और अब मैगी मसाला की बारी है भाई, भैया ने सारे के सारे मैगी के पैकेट्स एक ही हाथ में पकड़ के अच्छे से उसको एक ही बार में काट रहे शॉर्टकट। तो भाई ये मैगी मसाला डाल दिया भैया ने इसके ऊपर। शॉप का नाम तो आंटी का पास्ता है पर बना भैया रहे हैं तो ये थोड़ा अलग है। खैर अब इसमें थोड़ा सा और रेड चिली सॉस डालिए, और भाई अब इसको करेंगे मिक्स। अब यार मिक्स होने के बाद ना यार चीजें उसके बाद उसमें टेम्पटिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो यार मेरा तो लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फटाफट से इसको ट्राई करने के लिए। काफी भीड़ थी वैसे भी तुमने देखा था यार, तो यार ट्राई करना तो बनता है भाई, इतनी भीड़ देख के मन तो कर ही जाता है। तो फटाफट से हम इसको ट्राई करने वाले हैं, बस रेडी होने वाला है, उसके बाद ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। तो भाई ये रेडी हो चुका है, हम अपनी प्लेट लेते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा देसी पास्ता आंटी का पास्ता। अब देखो कैसा लग रहा है भाई, इसके ऊपर डले हैं ऑर्गेनिक डले हुए हैं, और ये हमारे पास्ता और म्यूनिस डले हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगभग अच्छा लग रहा है। ठीक है आप खा के बताते कैसा है, काफ़ी नाम सुना है भाई काफ़ी। कोई बैठ लेता हूँ दोस्तों, मैं इसको जा रहा हूँ वापस करवाने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये भाई इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, लाइक मुझे मेकिंग के टाइम भी लग रहा था कि इतनी क्वांटिटी में बना रहे तो ढंग से चीज़ें कुक होती या नहीं होती, और लिटरली यही जिसमें फैक्ट निकला कि यार ढंग से कुक नहीं है। इसमें मसाले अच्छे से स्प्रेड है, स्पाइसी है, और म्यूनिस की वजह से थोड़ा अच्छा टैंगी सा वो भी आ रहा है, बट जो सबसे मेन पॉइंट है भाई मैदा है, और मैदे को अच्छे से पका हुआ नहीं होगा तो बहुत बेकार होता है। तो भाई 60 रुपये हैं यार, बर्बाद हो गए यार, मैं जा रहा हूँ इसे वापस कराने। ओए इसे रिफंड कराइए भाई, नहीं खाना मुझे। तो यार देखो ये ऑनेस्ट रिव्यू था, तो भाई काफ़ी फेम था बट मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बार आके ट्राई कर सकते हो, वन टाइम ट्राई करने वाली चीज़ है। अगर तुमने बहुत सारी ज़्यादा हाइप्स की देखी हुई, बहुत ज़्यादा हाइप देखी है, तो एक बार आके ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हारा मन कर करना, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, बाय बाय।